चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे। तुम ईमान आपी से मिले और उनसे मिलकर तुमने ये कहा कि तुम शिफा से शादी करोगे। मोहब्बत का खेल मेरे साथ और शादी शिफा से? तुम दूध में मक्खी की तरह अपनी जिंदगी से मुझे यूं निकाल नहीं सकते आते। अगर मैं चाहूं ना तो तुम्हारी फैमिली को सब कुछ बताकर उन्हें तुम्हारे खिलाफ कर सकती, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मुझे अपने घर वालों की इज्जत का ख्याल है। क्या हुआ? वीकेंड पे तुम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने नहीं गए? मेरे सारे फ्रेंड्स अपनी मम्मी पापा के साथ पिकनिक पे गए हैं। निशान भाई भी घर पे नहीं है, मेरा दिल ही नहीं लग रहा। ओ मेरा बेबी, चलो हम कोई गेम खेलते हैं। हाइड एंड सीक खेलें? चीटिंग तो नहीं करोगे? नहीं, लेकिन लास्ट टाइम आपने हराया था, इस बार मैं आपको ढूंढ के हराऊंगा। ठीक है, जाओ जल्दी से मेरा दुपट्टा लेके अंदर से। इधर चलो आप बताओ ये कितने हैं? 5। ओके, ये कितने? 4। ठीक है, इसका मतलब तुम्हें नजर नहीं आ रहा है ना? अब मैं आपको ढूंढूंगा। हाँ, मुझे ढूंढो। पकड़ो ईमान, उठो उठो। अपी, कहाँ छुप गई आप? कुछ दिख ही नहीं रहा, सब काला हो गया है, लाइट चली गई। अपी, अपी, कितनी बुरी बात है। मुझसे कुछ और कहा और ईमान आपी को फिसलता देखकर खुद भी फिसल गए। पर ईमान आपी, आपको तो ये सब नहीं करना चाहिए। सारे अमीर कभी लड़कों से आप थोड़ी शादी कर सकती हैं। ऐसा करें, आहत भाई पर ही फोकस रखें, जिशान को मेरे जैसी गरीब के लिए छोड़ दें। आती और शिफा के दरमियान एक लड़की है और वो लड़की आतिफ और शिफा को मिलने नहीं देती। उसने तो शिफा को कसम दी हुई है कि वो आतिफ से ना मिला करे,
और उल्टा उस लड़की ने धमकी तक दी है कि अगर आतिफ ने शादी की शिफा से तो वो खुदकुशी कर लेगी। हम सॉरी आहद भाई, लेकिन मैं आपको मजीद और कुछ नहीं बता सकता। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप आती या शिफा से पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको मजीद कुछ नहीं बता सकूंगा। हम सॉरी। हेलो आहद भाई जी। अस्सलाम वालेकुम सर ऋषि, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप बताइए। एक्चुअली सरिश, वो ईमान और शिफा मेरी कॉल पिक नहीं कर रहे थे। क्या तुम मेरी शिफा से बात करवा सकती हो? आपको शिफा से क्यों बात करनी? एक्चुअली वो क्या है सरिश के आतिफ और शिफा के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रहा है। कोई लड़की है जो नहीं चाहती कि शिफा और आतिफ की मोहब्बत कामयाब हो, शायद तुम्हें इस बारे में कुछ पता हो। मैं समझ गई आदमी, आप क्या करने का सोच रहे हैं। आपको पता है वो लड़की ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि आती ने पहले उससे मोहब्बत के दावे किए और जब उसे शिफा पसंद आ गई तो उसे रास्ते में छोड़ दिया और शिफा से मोहब्बत करने लगा। नहीं सरिश, ऐसा कैसे हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? ईमान आपी भी तो पहले जिशान भाई को पसंद करती थी, उन्हें चाहती थी, और अब आप I'm sorry, आद भाई, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी आपसे। आपको एक मशवरा दूं, आप प्लीज इस सारे मामले से दूर रहें। आज नहीं तो कल आती अपने गिल्ट से बाहर आ जाएगा और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, फिर देखिएगा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और हाँ, आप देख लीजिए, आती को शिफा से भी अच्छी लड़की मिलेगी। खामखा आप अपने भाई की मोहब्बत के चक्कर में क्यों एक गरीब लड़की की बदुआ लेना चाहते हैं? बल्कि आप एक काम करें, आप आती को यहाँ से कहीं दूर भेज दें ताकि ये लव ट्राइंगल ही खत्म हो, वरना ये लोग खुद भी लड़ते रहेंगे और आप लोगों को भी परेशान करेंगे। ठीक है सरिश, थैंक यू फॉर योर एडवाइस। वेलकम, लव फिल्स। शुक्र है आर भाई की कॉल मेरे पास आई, शिफा के पास जाती तो पता नहीं क्या कहती। खैर, मैं आती को रखूं या छोड़ूं, लेकिन ये बात तो तय है कि वो शिफा को कभी हासिल नहीं कर सकेगा। मुझे ठुकराया था ना उसने, अब सुलग सुलग कर मरेगा। भाई आप क्या मांगेंगे ईमान आपी से? तुम्हारी इंगेजमेंट। तो नहीं मांग सकता हूं, लेकिन तुम्हारी पोनी। तुम्हारी अमानत, सोचा इससे पहले कि फिर खो जाए तुम्हें लौटा दूं।
इसे वापस लेकर मैं क्या करूंगा? क्या मतलब क्या करोगे? तुम्हारी शादी होगी, अपनी दुल्हन को पहनाना। ईमान, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया। मेरे पास तो ये बिल्कुल भी महफूज नहीं है। तुमसे ज्यादा इसे संभाल कर और कौन रख सकता? कदर तो मुझे नहीं है। जिस रिश्ते को अपना कर मोहब्बतों का हिस्सेदार हो सकता था, उसे खोकर अब सिर्फ और सिर्फ पछतावे का पता है। क्या है? तुम्हारी मां। ईमान अभी भी तो पहले जिशान भाई को पसंद करती थी, उन्हें चाहती थी, और अब आप बेटा। जी बाबा। मैं सोच रहा था कि आती के बारे में तुमसे कुछ जरूरी बात कर लूं। बोलिए। कल शिफा के पास जाकर। पापा प्लीज, ये आतिफ को खुद ही हैंडल करना है। उसका पर्सनल मसला, आई थिंक अगर वो इसको खुद हैंडल करे तो ज्यादा बेहतर। मगर बेटा वो पापा, मांगी हुई मोहब्बत से बहुत बेहतर हासिल की हुई मोहब्बत होती। ये बात तो आपने मुझे बताई है ना। अगर आतिफ इस मोहब्बत को खुद हासिल करेगा तो उसके लिए बेहतर होगा। ऐसा ना हो कि बाद में एक जज्बाती फैसला साबित हो। मेरा बेटा फलसफी हो गया है, यानी अब तुम्हें यकीन आ गया है कि ईमान से जो तुम मोहब्बत करते हो वो मांगी हुई नहीं, हासिल की हुई है।
समझकर क्या रखा हुआ है? तुम्हारी सो कॉल्ड कजन आकर मुझे जलील करके चली जाएगी और मैं खामोशी से खड़ी रहूंगी। तुम शायद मुझे जानती नहीं हो। मुझसे बेहतर तुम्हें कौन जानता है? हाँ हाँ, ये सच है कि मैं ठुकराए जाने का बदला लेना चाहती थी, लेकिन आती से नहीं, शिफा से। और मुझे ये नहीं पता था कि इसका सारा नुकसान सिर्फ आती को पहुंचेगा। तुम्हें पता है, वो हॉस्पिटल में डिप्रेशन में बीमार पड़ा हुआ है। वो बीमार आदमी मेरे किसी काम का नहीं है, छोड़ दिया मैंने उसे। और प्लीज तुम भी मेरा पीछा छोड़ दो। अगर यहाँ हमें किसी ने एक साथ देख लिया तो हम दोनों फंसेंगे। देखो, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कहीं फंस भी गई ना, तो मेरे पापा का नाम मुझे उस केस से निकाल लेगा। तुम अपनी फिक्र करो सहरेश। हानिया, तुम्हें क्या हो गया है? हम लोग तो दोस्त है ना। दोस्त? माय फुट। हाँ, किसकी तस्वीर देख रही हैं भाभी? वो हमारे पड़ोस में मुमताज आपा रहती है ना, उनकी भतीजी की है। हमारे जीशान को उनके भाई ने देखा था, तो वो अपनी भतीजी का रिश्ता करवाना चाहती है। अच्छा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं भाभी, मुझे क्यों बुरा लगेगा? औलाद के बारे में सोचने का हक तो हर वालदेन को है। दिखाए। बहुत अच्छी है लड़की। हाँ, अच्छी है, मगर तुम्हारे भाई से बात करने का कोई फायदा नहीं है। सीधे वो बात तो वो करते नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि बीजान को बीच में डालती हूँ, उनकी बात को वो इनकार नहीं करेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि जब तक ईमान की रुख्सती नहीं हो जाती, मैं जीशान का सिलसिला आगे नहीं बढ़ाऊंगी। ये तो नसीबों की बात है भाभी, आप क्यों देर कर रही हैं? अगर लड़की वाले राजी हैं तो बिस्मिल्लाह कीजिए, मुझे बुरा नहीं लगे। यहाँ रख दें। थैंक यू। आहक, चलें खाना खाएं। ईमान, मुझे भूख नहीं है। ईमान, वाकई में मुझे भूख नहीं। यू गो अहेड। If I remember, आप ही ने मुझे कहा था ना कि आप टेंशन में अकेले दो बंदों का खाना खा लेते हैं, तो अब क्या हुआ? और मैंने खाना बाहर से ऑर्डर नहीं किया, मैंने खुद बहुत मेहनत से बनाया है। ये सब जानकर भी आप मेरा दिल तोड़ेंगे? ठीक है, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, बहुत भूख लग रही है मुझे, लेकिन क्या करूं, अकेले खाना खाया भी नहीं जाता मुझसे। लेकिन चलो, आपने फैसला कर लिया तो भूखे ही रह लेते हैं। ऐसे खाली पेट काम नहीं होता मुझसे। सचिन, ड्रामा को नहीं। चलो आओ, जाते हैं।
माशाल्लाह बहुत प्यारी शक्ल सूरत की, तो अब मिलके ही पता चलेगा कि हमारे जीशान के जोड़ की है या नहीं। देखो अभी बीए खत्म की है, माँ बाप की इकलौती है। अच्छा अच्छा, तो तुमने जीशान से बात कर ली? नहीं, आज करूंगी बात और लड़की की तस्वीर भी दिखा दूंगी। ये देखिए। अरे वाह, आज तो घर में बड़ी रौनक लगी हुई है, सारे लोग जमा है, खैरियत तो है? तुम अपने कमरे से बाहर निकलो तो तुम्हें कुछ पता चले ना, तुम्हारे पास तो अपने लिए वक्त नहीं होता। क्यों डांट रही हो बेचारी बच्ची को खामखा? वो हम जीशान के लिए लड़कियां देख रहे हैं, तुम भी तस्वीर देख के पसंद कर लो। मैं भी रात पर इसी बात पे गौर कर रही थी और मैंने फैसला कर लिया। फैसला? कैसा फैसला? जीशान से शादी का फैसला। जीशान और मैं शादी करें। क्या बेहूदा मजाक है ये? हैं? ये कोई मजाक नहीं है अम्मी, ये मेरी जिंदगी का संजीदा फैसला है, चाहे कोई माने या ना माने। अगर तुम और जीशान, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, मैं खूबसूरत हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, क्या कमी है मुझमें? अरे और जीशान का कोई जोड़ नहीं है, वो तुमसे कम से कम 10 साल बड़ा है। ये इतना कोई बड़ा फर्क नहीं है, और वैसे भी जब जीशान और मैं कहीं बाहर जाएंगे तो हर कोई फर्क है। बस एक लफ्ज मत बोलना भाई, चलो मेरे साथ इससे पहले कि यहाँ मजीद को तमाशा करो। छोड़े मुझे अम्मी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ और ना ही ना समझूं। क्या मेरा हाथ पकड़ेंगी, डांटेंगी और कहेंगी कि मान जाओ? ये मेरी जिंदगी का फैसला है और मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ जीशान से। बड़े होने का मतलब ये नहीं कि तुम बड़ों से भी बड़ी हो जाओ। बेहयाई बेशर्मी की हद होती है। चाहे आप मुझे बेशर्म कहें या बदलिहाज, लेकिन मैं आप लोगों को अपना फैसला सुना चुकी हूँ। मुझे तुम्हारा ये फैसला मंजूर नहीं है। ये शादी है कोई तुम्हारी पसंद का सब्जेक्ट नहीं है, जो तुम पसंद कर लो किसी वक्त भी। बेटा जरा सोचो, जब जीशान को इस बात का पता चलेगा उसे कितना दुख होगा। और अगर ये बात जीशान आप लोगों से आकर खुद कहे फिर तो आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी ना? अफसोस होता है मुझे तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए। तुम जैसे बुजदिल इंसान दोस्त नहीं हो सकता मेरा। यार क्या हाल बना लिया खुद का, और वो भी एक लड़की की मोहब्बत में। घर छोड़ दिया, भाई और बाबा को भुलाया, क्यों?
यार तू गलत कर रहा है, अपने साथ साथ तो कर ही रहा है, हम सबके साथ भी गलत कर रहा है। अभी भी वक्त है, संभल जा आती, संभल जा। देख मेरे भाई, तू बाहर चला जा। मैंने ही कहा था ना तुझे कि रुक जा, आज मैं ही एक भाई वाला मशवरा देता हूँ कि बाहर चला जा मेरे दोस्त। अगर तू बाहर जाएगा तो तेरा माइंड फ्रेश होगा, तू अच्छा फील करेगा और तू तू भुला सकेगा इन सबको यार। शिफा को? हाँ हाँ, शिफा को भी यार। जब तू उससे मिल नहीं सकता तो उसे भुलाना ही बेहतर है मेरे दोस्त। और कम से कम इसके जरिए तेरे घर वालों को तो सुकून मिलेगा जो आज तक तकलीफ में। समझ मेरी बात को, संभाल ले खुद को मेरे दोस्त, संभाल ले। ड्रामा है, क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? आखिर कब तक तुम सबको हर्ट करती रहोगी? आराम से, मैं अब तुम्हारी होने वाली भाभी हूं। अच्छा, भाई के आते ही ना तुम्हारा ये सारा भरम टूट जाएगा और तुम्हारा ये दावा कि भाई खुशी खुशी तुमसे शादी कर लेंगे तो ये तुम्हारी भूल है। ईमान आप ही चाहे भाई के 10 तरस में क्यों ना, लेकिन उनके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर है और वो तस्वीर है ईमान आपी की। भाई की जिंदगी में ईमान आपी के अलावा तुम तो क्या कोई भी जगह नहीं ले सकता। आज इस भरोसे से तुम निडर होकर ये बात कह रही हो, कल को तुम्हें ये महंगा भी पड़ सकता है। और वैसे भी कहते हैं भाभी से बना कर रखनी चाहिए, वरना इसका नुकसान पूरा घर उठाता है। बहुत अफसोस होता है तुम्हारी सोच पर और तुम्हारे इस फैसले से चाहे आप ही को इख्तलाफ क्यों ना, लेकिन तुम्हें अंदाजा भी है कि उन्हें कितना दुख होगा? किस बात का दुख? हाँ, जब ईमान आप ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का हक रखती हैं और वो ये हक इस्तेमाल भी कर रही हैं, तो फिर जिशान क्यों नहीं? तुम चाहे कितनी जान लड़ाकर उनको उकसा लो, लेकिन भाई तुमसे कभी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि ना तुम उनके हम ख्याल हो और ना ही तुम लोगों के मिजाज मिलते। इसलिए ये गलत फहमी ना अपने दिमाग से निकाल दो कि भाई तुमसे शादी करेंगे। ऐसा जरूर होगा और जिशान की जिंदगी में ईमान आपी की जगह मैं ले सकती हूँ। इस बात पर पक्की मोहर बहुत जल्द लग जाएगी। जस्ट वेट एंड वॉच। क्यों तुम सोचकर अपनी तबीयत खराब कर रही हो? सैरिश नादान है, न जाने क्या सोचकर उसने ये बात कह दी है। जिशान और सैरिश आते हैं ना तो उनसे बैठकर बात करते हैं हम दोनों। आपने सुना नहीं कितने एतमाद से वो उसने शादी की बात की? ये फैसला वो अकेले नहीं कर सकते। तुम बदगुमान मत हो शमीम, मेरा नहीं दिल मानता कि जिशान ने भी ये बात सोची होगी। माजी में भले उसने कितनी ही गलतियां क्यों ना की हो, मगर इतनी अकल तो वो रखता है ना कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। अम्मी, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सा सर में दर्द है शमीम के, ठीक हो जाएगा। आपने बीपी चेक किया अपना? बताएं इसे कि मेरा बीपी क्यों आया है, बताइए।
क्या हो गया शमीम? अभी अभी ये ऑफिस से आई है, इसे तुम क्यों परेशान कर रही हो? बताए ना मुझे क्या हुआ है। तुम्हारी लाडली चहेती बहन ना शादी कर रही। अच्छा, आप लोगों ने उसके लिए कोई रिश्ता देखा है क्या? हम क्या देखेंगे बेटा, वो तो खुद अपने फैसलों की करता धरता है। वो सुनती नहीं, अम्मा बनकर अपना फैसला सुनाती है। अम्मी तो अगर उसे कोई लड़का पसंद आ गया तो इसमें हर्जी क्या है? एक ना एक दिन शादी तो करनी है ना उसकी। अच्छा है उसकी पसंद से हो जाए। कौन है लड़का? तय अम्मी आप ही बता दें कौन है लड़का। मैं क्या बताऊं मैम? अजीब बात है। अच्छा आप अपनी तबीयत खराब नहीं करें, मैं खुद जाके उससे पूछ लेती। कतई ये मंजूर नहीं है मेरे जीते जी, ये नहीं हो सकता भी जान। मैं जानती हूँ मुबशिर, इस वक्त सबसे ज्यादा फिक्र तुम्हें ईमान की हो रही होगी। जाहिर है कि इस फैसले से उसके जज्बात तो मजरूह होंगे। पता नहीं सरीश ने ये बात क्यों नहीं सोची। ईमान भी मजबूत सही, लेकिन है तो एक इंसान ना, एक आम इंसान। और अगर ईशान किसी और लड़के से शादी करता तो भी ठीक था, लेकिन सहरिश उसकी अपनी बहन, ये तो माजी के जख्मों को कुरेदने के मुतरादिफ हो गया। मैं नहीं चाहती कि ईमान किसी और अजियत से गुजरे। ईशान आ जाए मैं खुद बात करूंगी उससे। कोई फायदा नहीं है, सबके सामने ये बातें बगैर किसी के हौसला अफजाई के नहीं कह सकती। अगर तुम्हारा इशारा जिशान की तरफ है तो मैं नहीं मानती। उसने हमेशा सहरिश को अपनी शिफा की तरह समझा। जान फिर सहरिश का यूं बदजन हो जाने का क्या मतलब है? और अगर ये ख्वाहिश सिर्फ सहरिश की होती तो वो ढके छुपे अल्फाज में या तो बात अपनी माँ से करती या फिर बहन से। बगैर ढील के तो पतंग भी उड़ान नहीं भरती बेजान। मेरे तो ख्याल में इसमें किसी और की भी मर्जी शामिल है। सुबह से काम कर करके थक गया हूँ मैं, चलो कुछ खा कर आते हैं। क्यों भाई, क्या हो गया? आज भाभी के साथ खाना नहीं खाना क्या? भाभी आजकल भाभी ने किचन तो किचन, घर के काम और मेरी जिम्मेदारी से भी बाइकआउट कर रखा है। क्या हुआ, झगड़ा हुआ है क्या? बिजनेस की भाग दौड़ में शादी की सालगिरह क्या भूल गए? मैडम कहती है कि मेरा प्यार कम हो गया, ना बात करती है ना उसे मेरी जरूरत का ख्याल है। और तो और मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया, लाउंज में सोना पड़ता है मुझे। दरवाजा पीटने पर भी नहीं खोलती वो दरवाजा। आई एम श्योर कि तुम अपनी एनिवर्सरी आइंदा भूलने की कभी भी गलती नहीं करोगे। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए एक नई भाभी ढूंढू। ये हर वाइफ के लिए एक सबक भी होगा कि अपने शौहर को तंग नहीं करना चाहिए। मेरी बेस्ट विशेस तेरे साथ है। मेरे भाई थोड़ी विशेस अपने लिए भी बचा कर रखो। तुम अब तक अपने दिल में किसी को बसने की इजाजत नहीं दे रहे। Excuse me, अभी इस वक्त देरी बात हो रही मेरी। चलो रहने देते हैं, मगर जिंदगी बहुत सारी हसरतों और महरूमियों के बाद भी बहुत हसीन है। एक मोहब्बत के बाद नई भी मुमकिन है। शायद वो अब माइल हो गई, हाथ की मोहब्बत उसे अच्छी लगने लगी। तुम चाहते भी तो यही थे।
हाँ यार, बड़ी अजीब सी चीज है कि मेरी चाहत भी ना कभी कभार मेरी खुशी से ज्यादा अजीब होने लगती है। खैर चल कैफेटेरिया चले। सैरिश, तुमने अम्मी से ऐसा क्या कहा है कि उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई है? मेरे लिए उनकी तबीयत और मूड हमेशा बिगड़ा ही रहता है, ना तो उनके नजदीक मेरी अहमियत है और ना मेरे फैसले की। कैसी बातें कर रही हो तुम, जाके देखो उनको, तुम्हारी फिक्र में उन्होंने क्या हालत कर ली अपनी। नहीं है उन्हें मेरी फिक्र, अगर उन्हें मेरी फिक्र होती तो मेरे शादी के फैसले को कबूल करती, इस तरह फसाद बर्पा ना करती। किसने फसाद बर्पा किया है? सरिश तुम अभी छोटी हो, तुम्हें नहीं पता शादी जिंदगी भर का फैसला होता है, ऐसे देखे बगैर कैसे तुम्हारी शादी कर दें? तुम्हारी फिक्र करते हैं तभी तो तुम्हारी परवाह कर रहे हैं। लड़का देखना होता है, उसका खानदान देखना होता है, तुम उसके घर जाके खुश रहोगी भी कि नहीं? मैं बहुत खुश रहूंगी वहां, लड़का भी देखा बाला है और उसका घर भी। और आप मेरे घर बार की फिक्र ना करें, शादी के बाद मैं इसी घर में रहूंगी, जो मेरा मैका है, और जिशान से शादी के बाद मेरा ससुराल बन जाएगा। काश तू भी कभी दिखाई दे।